सीतापुर जिले के रामकोट थाना में पुलिस ने वहां के पत्रकार से मारपीट की। इस घटना में पत्रकार के द्वारा पूर्व के खुलासे जो वहां की पुलिस के अवैध कार्यों से संबंधित थे, उनमें एक तो मिट्टी के अवैध खनन संबंधी खुलासा व दूसरा चौकी पर परिवहन के वाहन चालकों से अवैध वसूली का था। नंबर की बारी ला रहे हैं? हाँ। कहाँ से ला रहे हैं? लखीमपुर से। अच्छा, कहाँ ले जा रहे हैं? यही सीतापुर। अच्छा, ये जो 100 नंबर वाले हैं, ये तुमसे क्या कहते हो, क्या लेते हैं? ये 100 रुपया ले लेते हैं ट्राली पे। और यहाँ विकेट वाले चौकी वाले कितना लेते हैं? 100 रुपया। तो कितना पैसा तुम्हारा चला जाता है? अरे चौकी पे देते हैं, मान लीजिए 1200 रुपया खर्चा हमारा हो जाता है रोज। इन दोनों घटनाओं का खुलासा पत्रकार ने सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से किया था एवं इसकी सूचना ट्विटर के माध्यम से पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी दी थी। इससे स्थानीय पुलिस आक्रोशित हुई और पत्रकार की तलाश में जुट गई। पत्रकार के शहर से गांव जाने के दौरान पुलिस चौकी नवीन चौक पड़ी, जहां पर पहले से घात लगाए पुलिस कर्मी बैठे थे, जिन्होंने पत्रकार को देखते ही उस पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाड़ी को रोक दिया और चौकी के अंदर ले जाकर गालियों के साथ मारपीट करने लगे। हम सुरगश पांडे हैं, हम लोगों ने और हमारे साथ इंडिया न्यूज के जो सीतापुर के रिपोर्टर हैं मनु वाजपेयी और नेशनल एडिटर मदन यादव, ये सब लोगों ने रामकोट थाने की और पिसावा थाने की कुतुबनगर चौकी की और मोहली थाने की रिछाई चौकी की हम लोगों ने रियलिटी चेक की थी और उसके बाद नवीन चौक रामकोट थाने की नवीन चौकी मैंने रियलिटी चेक की और उसी रियलिटी चेक के लिए पुलिस ने बहुत पहले से खिसिया गई थी और जिसको हम लोगों से दुश्मनी मान रही थी, हम लोगों को ये सब पता नहीं था। हम लोग उसी दिन रियलिटी के दूसरे दिन हम लोग ट्रांसफर, उसी दिन हम लोग मंडी चौकी के पास एक ट्रांसफार्मर फूक रहा था जिसकी कवरेज कर रहे हम और शिवराज सिंह जो चैनल वन न्यूज के लिए लोग हम लोग गए थे और कवरेज करके नवीन चौक के पास से गुजर रहे थे। वहां पे पहले से पुलिस के सिपाही लोग घात लगाए बैठे थे। जैसे चौकी के पास हम लोग पहुंचे वहां पे तो हम लोगों को रुकवा लिया और खींच करके चौकी के अंदर ले जा करके मारपीट करने लगे। किसके साथ? उसके बाद हमको खींच करके मारपीट करने लगे। उसके बाद हमको एक प्राइवेट गाड़ी बुला करके रामपुर थाने ले गए। थाने में हमको बैठाने रखे 2 घंटे 1 घंटे लमसम और हमारा मोबाइल आधार कार्ड एटीएम कार्ड सब छीन लिया वहां पे। और उसके बाद जब हम लोगों के घर वाले जान पाए तो हम लोगों ने जब थाने से संपर्क किया तो उन्होंने थाने के SHO राजेश शर्मा ने बताया कि आप वो मोबाइल हमको दिलवा दीजिए जिसमें वो विजुअल बनाए गए थे और हम शिवराज पांडे को छोड़ देंगे। जब शिवराज सिंह ने उस विजुअल को वहां पे मोबाइल को भिजवाया गया साच मिठाने के लिए तब हमको छोड़ा। उसी समय हमारे सहयोगी जो शिवराज सिंह थे उन्होंने दौड़ते हुए उस विजुअल को दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर लिया था जिसलिए वो साच अभी भी मौजूद है हम लोगों के पास। गाड़ी अभी थाने में मौजूद है और जिसको पुलिस और जिले की सारी पुलिस एक तरफ होकर के पत्रकारों को साजिश के तौर पर बड़े बड़े मुकदमे में फंसाने की चेतावनी दे रही है। लगातार हो रहे पत्रकारों पर हमले जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के बाद यूपी में भी बोलबाला पुलिस कर्मियों और अवैध खनन माफियाओं का लगातार बोलबाला बना हुआ है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है यूपी के सीतापुर चौकी नवीन चौक का, जहां पर कुछ अवैध वसूली करते हुए पुलिस वाले दिखे व खनन माफियाओं की मिलीभगत से जो अवैध वसूली करते थे पुलिस कर्मी उसका मामला उजागर किया पत्रकारों ने, जिसकी वजह से बौखलाए पुलिस कर्मियों ने पत्रकारों पर हमला बोल दिया। शहर से गांव की तरफ जाते हुए रास्ते पे बाइक रोकी गई पत्रकारों की और उनको अंदर चौकी के ले जाया गया। ले जाने के बाद में उनके साथ गाली गलौज की, मारपीट की व उनका मोबाइल छीन कर उसमें से सारा डेटा डिलीट कर दिया गया। किसी कारण बस वहां से भाग कर निकल पाए पत्रकार, तब जाकर के अपनी जान बचाई और तो और झूठा मुकदमा भी पत्रकारों पर दर्ज कर दिया गया। जैसा कि हम वीडियो में दिखाते हैं आपको कि पत्रकारों के साथ कैसे मारपीट की जा रही है, कैसे उनके साथ बर्दाश्त की जा रही, गाली गलौज किया जा रहा है और वहां पर बाहरी आदमियों को, बाहरी गुंडों को बुला के बैठा रखा था पहले से,
जो जिनके साथ उनको पता था कि मैं मारपीट करूंगा पत्रकारों से, इसलिए उनको बुला के बैठाया गया था, और उन्हीं गुंडों से पत्रकारों की पिटाई करवाई पुलिसकर्मी साथ। विजुअल हमारा जो थाने में बनाया गया, क्योंकि चौकी पर जब हमारे संग हाथापाई मारपीट हमको मारा पीटा गया था, उसके बाद से पुलिस ने हमारा मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया था, और जो रियलिटी शो का विजुअल बनाया गया था उसके साथ साथ जो भी हमारे उसमें साक्ष्य मौजूद थे सारे थाने में उसके विजुअल मिटा दिए गए, और हमसे कहा गया कि कह दीजिए कि हमारे संग कोई मारपीट नहीं हुई है और आपका मेडिकल करा करके तो हम आपको छोड़ देंगे, और ऐसा कहोगे कि हमारे संग मारपीट हुई है तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये भी कहा कि मदन का नाम ले लीजिए, मदन उस दिन थे या नहीं, क्या कहा गया? नहीं, ये कहा कि रियलिटी में कौन कौन था, रियलिटी चेकिंग में कौन कौन था, तो हमने कहा रियलिटी चेकिंग में मनु वाजपेयी, मदन यादव और हम और दो अन्य साथी है, सब लोग रियलिटी चेकिंग में साथ में थे, जिसके साथ ही सारे थाने में मिटा दिए गए थे। ये जबरदस्ती तुमसे कहलवाया गया कि ये जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में जबरदस्ती कहलाया गया? क्या कहलवाया गया? ये कहलाया गया कि बाहर ये मत कहना कि हमको मारा पीटा गया है और तुम्हारा मोबाइल लिया गया है। आखिर कब सुधरेगी योगी सरकार, कब सुधरेगी यूपी पुलिस? जो दोषियों की तो बात छोड़ दो, जो आम जनता की क्या हिफाजत करेगी, जब चौथा स्तंभ जो पत्रकार हैं उनकी हिफाजत नहीं कर पा रही है, तो आम जनता की तो बात छोड़ दीजिए। अब देखते हैं इस पे योगी सरकार क्या कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अरुण सिंह के साथ मैं रमेश सिंह, 24 आवर टुडे न्यूज चैनल सीतापुर।